तो नाउ स्टूडेंट्स हमने अभी तक कैटेगरीज़ को ऐड करके देखा दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग व्हेन यू विल अप योर मेजेंटो स्टोर उसके बाद यानी आप सारी कैटेगरी जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर करना चाहते हैं अपने स्टोर पे वो तो सारी की सारी कैटेगरीज आप ऐड करेंगे जैसे हमने किया उसके बाद आप जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आपने हर प्रोडक्ट को जो भी आपकी कैटेगरी बनती है फोर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है बुक्स बनती है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल हेल्थ बनती है जो भी आपकी कैटेगरी बनती है उसमें आपने फिर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को पॉपुलेट करना है दिस इज द बेसिक इसके बगैर आपका शॉपिंग कार्ट जो है या जो ऑनलाइन स्टोर है वो वर्किंग फॉर्म में नहीं आएगा तो ये दो स्टेप करने के बाद अगला स्टेप अभी हम ये देखते हैं कि जो हमने अभी जो जो वेब पेज क्लाइंट को नजर आता है उस जो वेब पेजेस हैं या जो वेबसाइट है उसके साथ आप यानी उसके डिज़ाइन के साथ भी आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हैं यानी आप उसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर सकते हैं हर पेज का भी आप जाकर डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं सो so, ये एक पहली चीज़ है दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास ऑर्डर्स ऑलरेडी क्रिएट हुए में हैं। हुए हैं यानी किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर्स क्रिएट हुए हुए हैं हमारे पास आ, उनसे रिलेटेड जो आ, जो शिपिंग की डिटेल्स हैं यानी बिलिंग एड्रेस है एग्जिस्टिंग एड्रेस है आ, या क्लाइंट का एड्रेस है उसको आपने कैसे एक्सेस करना है और उसके साथ आपने कैसे प्ले अराउंड करना है सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दिस थिंग सो नाउ स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वाला पैनल है सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं जो ये पब्लिक वेबसाइट है इसका जो डिज़ाइन है यानी जो हमारे पास यहाँ पे इसका लेआउट आ रहा है ये हमारे पास यहाँ पे बेसिकली एक मेन इमेजेस आ रहे हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे इमेजेस आ रहे हैं हमारे पास उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की लिस्टिंग आती है हॉट सेलर्स की और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यानी हर प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ड भी कर सकता हूँ और कुछ हमारे पास यहाँ पे अ फुटर आ रहा है सो लेट अस ट्राई टू सी के हर पेज के साथ हम कैसे उसका डिज़ाइन या थीम चेंज कर सकते हैं सो so, उसके लिए कॉन्टेंट में जाना पड़ेगा कॉन्टेंट में जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा पेजेस जब पेजेस पे क्लिक करूँगा तो इट विल शो मी द लिस्ट ऑफ पेजेस यानी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं होम पेज है होम पेज हमारा वो वाला पेज होता है जो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है होम पेज जो हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम लोड होता है ये जो हमारे पास ये पूरा डिज़ाइन है ये होम पेज है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अबाउट अस का पेज आ रहा है अबाउट अस का पेज यहाँ पे कहीं बॉटम में होगा दिस इस पर क्लिक करेंगे तो हर पेज का अब आप ये देखें हर पेज के साथ उसके साथ कुछ लेआउट अटैच किया हुआ यानी वन कॉलम है स्टोर हर व्यू में यही स्टोर आए हर व्यू में जितने भी स्टोर्स हैं हर स्टोर का जो व्यू है वो डिज़ाइन ऐसा ही रहेगा एंड सो ऑन सो लेट अस जस्ट ट्राई टू प्ले अराउंड विद होम पेज यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करें और एडिट पे आप क्लिक करें तो व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू अब हम जो होम पेज है यानी ये वाला पेज है इसके साथ थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं तो पेज का नाम हम हम टाइटल फॉर एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं इसका हम हम कॉन्टेंट हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं यानी इसका कुछ कॉन्टेंट ऐड कर सकते हैं वट आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन इनके मैं सो so, डिज़ाइन के साथ प्ले आउट करूँ लेआउट जो है ये अभी सिंगल कॉलम है ये पूरा एक कॉलम है तो लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे टू कॉलम विद राइट बार कर देता हूँ एंड आई विल ट्राई टू सेव इट सो लेट अस सी और ये मैंने अभी सिर्फ होम पेज पे किया है बाकी किसी पेज को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया तो लेट एस ट्राई टू रीलोड इट इसको रीलोड करते हैं एंड लेट सी के इसका कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता अब आप ये देखें जो राइट right साइड पे चीज़ें आ रही थी ना अब आप देखें उसने राइट लाइन यानी जो इमेजेस यहाँ पे आ रहे थे तो उसने राइट right साइड जो है उसको वहां पे स्पेस क्रिएट कर दिया है इसके साथ थोड़ा और प्ले राउंड करते हैं अभी मैं सिर्फ होम पेज के साथ ही डिफरेंट ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि यू कैन प्ले राउंड विद इंडिविजुअल पेजेज ऑल्सो तो लेट सपोज मैं डिज़ाइन में ही जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेट सपोज़ तीन कॉलम कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू सी कि इसका इंपैक्ट क्या होता उसने पेज को कर दिया सेफ मैं इसको किया रीलोड जब रीलोड करेंगे तो लेट सी कि ये क्या हमें शो करता है अब आप देखें इसने और स्पेस कम कर दी है तो जैसे ही हम थ्री कॉलम टू द राइट कर रहे हैं तो अब देखें इसका जो लेआउट है वो उसने थ्री स्पेसिस द राइट कर दिए हैं तो लेट मी जस्ट सेट इट टू यानी अब थ्री कॉलम पे उसने कर दी है तो लेट मी जस्ट सेट इट ताकि हम मतलब जो डिफॉल्ट में वन कॉलम था तो उस पर इसको अनेबल करते हैं ताकि इसका डिज़ाइन जो है जो ब्रेक लग रहा है वन पे किया मैंने तो होपफुली इट विल रिटर्न बैक टू वॉट इट वॉज तो मैं इसको अब यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अब ये मुझे वापस अभी देखें अभी वापस डिफॉल्ट डिज़ाइन पे ले आया दिस वॉज एक्चुअल डिज़ाइन तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू सहीज कि आप हर पेज के साथ इसी तरीके से प्ले डाउन कर सकते हैं दैट वॉज द वन थिंग अनदर थिंग वॉज के जो अब आपने जो ऑर्डर्स की यानी जो डिफरेंट ऑर्डर्स क्रिएट किए हुए हैं अब उनकी आप शिपिंग डिटेल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप सेल्स पे जाएं शिपमेंट्स में जाएं, तो ये आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी शिपमेंट दिखा देगा यानी और शिपमेंट नंबर वन है शिप डेट को डेट आ रही है ऑर्डर आई है ऑर्डर डेट है और शिप टू नेम कस्टमर का नाम आ रहा है और टोटल क्वान्टिट्टी मैं इसको यहाँ पर व्यू करता हूँ एट टाइम ही होता है कि कस्टमर आपको जो शिपमेंट डिटेल है वो बाद में ईमेल करके कहता है कि जी शिपमेंट डिटेल या अकाउंट इंफॉर्मेशन या ऑर्डर डिटेल जो है वो सही नहीं है तो यू कैन बिलिंग एड्रेस को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं शिपमेंट एड्रेस को भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं लेट्स सपोज मैं शिपमेंट एड्रेस पर क्लिक करता हूँ तो दिस विल ओपन मी द कम्प्लीट इंफॉर्मेशन जिसको मैं यहाँ पे ऑर्डर एड्रेस को मैं यहाँ पे चेंज करके सेव भी कर सकता हूँ एंड सो ऑन सो द होल पॉइंट इज़ के आप जो एग्जिस्टिंग शिपमेंट्स हैं अगर कोई आपको कस्टमर ऑफलाइन कॉन्टेक्ट करता है तो यू शुड बी एबल टू एडिट द शिपिंग डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर क्लाइंट